नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवीएन डॉक्टर अनामिका अहरवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट जयवती विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे आई एम गोइंग टू टेक द लेक्चर ऑन द टॉपिक HTML कलर नेम्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द HTML कलर वैल्यूज, इन विच I told you that the values of different colors, जहाँ पर हम अलग अलग जब अपना उसका कलर का वो वैल्यू कलर चाहिए रहता है तो वो कलर का नाम ना लिखते हुए भी हम उसकी वैल्यूज़ डालते हैं, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि इस कलर की, सपोज़ ब्लैक कलर की, जैसे मैंने आपको बताया था 0000, इसमें हेक्स उसमें वैल्यू होती है उनकी, वो अपन को वहाँ पर लिखना पड़ता है, सो दैट कि कंप्यूटर वो समझ पाता है कि ये यहाँ पे ब्लैक कलर हम यहाँ पे चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि कलर नेम्स की, तो कलर नेम में क्या आ जाएगा आपका, वो तो वैल्यू की बात की थी हमने, यहाँ पे हम नेम्स की बात करेंगे, जैसे ब्लैक कलर का नेम। ठीक है, तो उसमें अपन क्या देखते हैं कि जो ये भी जितने भी जो कलर नेम्स है वो सपोर्टेड सभी ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जितने मॉडर्न ब्राउज़र्स होते हैं, जैसे 140 जो कलर नेम्स होते हैं, तो क्लिकिंग बाय कलर नेम और हेक्स वैल्यू, या तो कलर नेम के थ्रू या हेक्स वैल्यू के थ्रू आप उन कलर को, जो बैकग्राउंड उसका कलर होता है, उसको अलग अलग टेक्स्ट कलर के नाम से उससे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहो तो उससे देख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे क्या, ये कलर का नाम आ गया, ये इसका उसकी वैल्यू आ गई। कलर मिक्सर भी चाहते हो, कलर पिकर भी, जैसे आप उसमें करते हो ना कि यहाँ पे जो बर्ड की फाइल में आपको कोई भी कलर चाहिए रहता है, लेकिन कुछ वो प्राइमरी कलर, जैसे अपन प्राइमरी मीन्स बेसिक कह लो कुछ कलर्स होते हैं, लेकिन अगर हमें लाइट या डार्क या कुछ ऐसा चाहिए रहता है, ब्लू कलर में बहुत सारे शेड्स होते हैं, मीन्स अगर शेड्स चाहिए रहते हैं मुझे, तो मैं उसको क्या करती हूँ, वो उसकी जो उसका जो वैल्यू है वो थोड़ा कम ज़्यादा ऐसे करके करती हूँ, तो हमें वो दिखाता है पैलेट में कि कैसा कलर आपको इतने ही चाहिए या ऐसे थोड़ा डार्क चाहिए, रेड चाहिए। तो क्योंकि ये सारी चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती कि इतना सारा हमें, क्योंकि हम उन कलर से कई कलर डार्क, थोड़ा उससे कम लाइट, थोड़ा और डार्क, थोड़ा ऐसा बना सकते हैं, वहाँ पर हम प्रोपोर्शन की तरह उसको सेट कर देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हो, अब यहाँ पे क्या है, एंटीक्यू वाइट आ गया है आपका, ये कलर दिख रहा है। कभी कभी कुछ लोग इसे पिंक के नाम से भी जानते हैं कभी कभी, तो इसकी वैल्यू थी, ये वहाँ पे कलर मिक्सर के थ्रू, कलर पिकर के थ्रू आप इसको देख सकते हो। ये जहाँ पे देखो मैंने एक्वा की बात की है, यहाँ पे आपको ये कलर का नेम हो गया, ये कलर की वैल्यू हो गई, तो मिक्सर चाहते हो, कलर पिकर चाहते हो, ये आपने कलर उठाया वहाँ पे जहाँ पे आप लगाना चाहते थे, लगा दिया। ठीक है, ऐसे आपके बहुत सारे अलग अलग कलर्स आएंगे, कलर के नेम, कलर की वैल्यू, कलर मिक्सर चाहते हो, कलर पिकर चाहते हो, तो वो सब चीज़ें क्या रहेंगी, वो आप यहाँ से जो अपने 140 ये सारे कलर्स हैं वो यहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब ये सारे जैसे ब्लैक की हम बात करते हैं, तो ब्लैक जैसे मैंने बताया था 0000, तो ये ब्लैक कलर में आ गया आपको बैकग्राउंड के उसमें। तो ये सारी चीज़ें आप अलग अलग उसमें दिखा रही हैं, मैंने यहाँ पे सारा आपको दिया हुआ है, कोई भी कलर से कोरल की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें, ब्लू की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऐसे कॉस्मिक कलर आ गया आपका, और ठीक है अब यहाँ पे फिर अगेन ये वाला ब्लू डार्क मीन्स नेवी ब्लू में आया है, किस ब्लू में आया है वो अपन देखते हैं। ठीक है, ये अपना डार्क गोल्डन रॉड का कलर आ गया, ये डार्क ग्रे कलर आ गया, इसकी अलग वैल्यू आ गई थी। यहाँ पे ये सब चीज़ें अपन को इनमें से, ये पूरा आपके 140 ऐसे दिए हुए हैं, आप इसमें से कलर कुछ भी देख सकते हो, उसकी वैल्यू देख सकते हो, फिर आपको उसमें वेब पेज इसमें अपने को बैकग्राउंड उनका कलर की जो टेक्स्ट कलर है वो उसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वेब पेज को अपने जो बनाए हैं वो और अट्रैक्टिव बना सकते हो। ये देखो सारे कलर्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप या तो यहाँ से उनकी वैल्यू ले लो या आप कैसे भी कर लो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, तो ये सारे हमने जो कलर्स थे हमारे उनकी वैल्यूज थी। तो हमने इस सेशन में क्या पूरा देखा कि HTML कलर नेम्स की बात की है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति
विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माई डिजिटल सेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मैंशन इन कॉमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू।